हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस। हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस डिस्कस किए थे। मैंने आपको बताया था व्हाट आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, देन व्हाट आर पॉलिनोमियल फंक्शंस, एंड व्हाट विल बी रेंज एंड डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस, एंड देन देयर वाज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज हमने पढ़ी थी। ओके, तो आज हम इसी से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो विल टॉक अबाउट लॉगरिथमिक फंक्शन ग्राफ, डोमेन एंड रेंज। ओके, तो नेक्स्ट थिंग विल बी लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके ओके, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स बेस ए विल बी कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग ऑफ एक्स बेस ए विल बी कॉल्ड एज लॉगरिथमिक फंक्शन। तो कंडीशंस क्या थी कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ए एंड ए मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू वन। ओके, तीन कंडीशंस थी हमारे पास कि एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन जीरो, ए मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो एंड ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू वन ओवर है। ओके, तो मीन्स डोमेन ऑफ फंक्शन विल बी एक्स की कौन सी परमिसिबल वैल्यूज हैं। कंडीशन क्या है कि एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, तो दैट मीन्स एवरी एक्स दैट इज ग्रेटर देन जीरो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ऑल विल बी अवर इन डोमेन, ऑल विल बी इन अवर डोमेन। तो means domain will be equals to 0 to infinity. 0 is not to be included because log of 0 is not defined. Okay, so that means domain will be 0 to infinity. Now what about a? Same जैसे हमने देखा था exponential function में, if a is greater than 0 तो a value could be like this 0, 1 and infinity. It could be lying between 0 to 1 or it could be lying between 1 to इन्फिनिटी। ए की दो जीरोज हो सकती हैं, आइदर दैट कुड बी जीरो टू वन और दैट कुड बी फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन बोथ द कंडीशंस दे विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज विल बी देयर। ओके, तो विल से लेट अस सपोज वी आर टेकिंग सेकंड कंडीशन व्हेन ए इज ग्रेटर देन वन। ओके, व्हेन ए इज ग्रेटर देन वन this implies let a is equals to 2, let a is equals to 2. okay, तो हम मान के चलेंगे let a is equals to 2, तो y will be equals to log of x base 2, y will be equals to log of x base 2. this implies log की definition मैंने आपको क्या बताया था, if y is equals to log of x base 2 that implies 2 raised to the power y is equals to x. okay, 2 raised to the power y is equals to x. ओके, तो यही पढ़ेंगे। तो उसी तरह से एक टेबल बनाते हैं फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड फॉर वैल्यूज ऑफ वाई, फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड फॉर वैल्यूज ऑफ वाई। ओके, फॉर एक्स इज इक्वल्स टू वन, फॉर एक्स इज इक्वल्स वाई की वैल्यूज पुट कर देते हैं क्योंकि हमने सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। फॉर वाई इज इक्वल्स टू जीरो एक्स विल बी इक्वल्स टू वन, फॉर वाई इज इक्वल्स टू वन एक्स विल बी इक्वल्स टू टू, फॉर वाई इज इक्वल्स टू थ्री एक्स विल बी एट, फॉर वाई इज इक्वल्स टू फोर एक्स विल बी 16. ओके, फॉर वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन एक्स विल बी इक्वल्स टू वन बाई टू, फॉर माइनस टू इट विल बी वन बाई फोर एंड सो ऑन। ओके, एंड इफ इट इज माइनस इन्फिनिटी, ओके इफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी दिस इम्प्लाइज दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू जीरो, तो वो हम अभी ग्राफ पे देखेंगे। तो अगर इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो ये प्लॉट किस तरह का आएगा, लेट दिस बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, तो अगर हम देखें व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू वन वाई इज इक्वल्स टू जीरो तो दिस विल बी द पॉइंट, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू टू वाई इज इक्वल्स टू वन दिस इज एक्स इक्वल्स टू टू दिस इज वाई इज इक्वल्स टू वन, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू थ्री वाई इज इक्वल्स टू एट। ओके, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू सॉरी व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू वन वाई इज इक्वल्स टू जीरो, when x is equals to 2 y is equals to 1, when x is equals to 8 तो 8 will be somewhat over here, then y is equals to 3, when x is equals to 16 16 will be somewhat over here, y is equals to 4, the graph is moving like this, the graph will be moving like this. Okay, similarly when x is equals to 1 by 2 means somewhat over here, the value of y is minus 1 that means somewhat over here. Okay, when x is equals to 1 by 4 to means this point the y is minus 2, so hence the graph will be moving like
this, okay, and this line will not be touching the y-axis, it will be always be a parallel line to y-axis. So graph of a logarithmic function comes out to be this curve when a is greater than 1. हमने अज्यूम किया था a is equals to 2 over there. ओके, तो अगर इसमें देखें हम डोमेन हमें पता है डोमेन इज़ 0 टू इन्फिनिटी, लेकिन अगर हम रेंज की बात करें तो व्हाट इज़ रेंज, हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी भी आ रही है y की वैल्यू, पॉजिटिव इन्फिनिटी भी आ रही है y की वैल्यू, दैट मीन्स रेंज इज़ फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी मीन्स ऑल रियल नंबर्स. तो दैट मीन्स रेंज ऑफ अ लॉगरिथमिक फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स बिकॉज नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास आ रही है. ओके, देन वी विल गो टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट सेज इफ ए इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, दैट मीन्स लेट ए इज इक्वल्स टू 1/2. दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स बेस 1/2. दिस इम्प्लाइज 1/2 रेज टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स. यही मतलब होगा कि 1/2 रेज टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स. तो सिमिलरली हम एक्स और वाई का प्लॉट बनाएंगे. फॉर वाई इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू 1. फॉर वाई इज इक्वल्स टू 1, एक्स इज इक्वल्स टू 1/2. फॉर 2, एक्स इज इक्वल्स टू 1/4. फॉर 3, एक्स इज इक्वल्स टू 1/8. फॉर एक्स इज वाई इज इक्वल्स टू -1, इट इज 2. फॉर -2, इट इज 4. फॉर -3, इट इज इक्वल्स टू 8. ओके, तो ये सब रिलेशंस आ रहे हैं. तो इनको अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो प्लॉट करने पे हमें क्या मिलेगा, लेट दिस बी पॉजिटिव एक्स, लेट दिस बी पॉजिटिव वाई, दिस बी नेगेटिव एक्स एंड दिस विल बी नेगेटिव वाई. फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 1, वाई इज इक्वल्स टू 0, तो दिस पॉइंट विल बी देयर. फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, दैट मीन्स दिस पॉइंट वाई इज इक्वल्स टू 1. फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 1/4, मीन्स दिस पॉइंट वाई इज इक्वल्स टू 2. फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 1/8, मीन्स दिस पॉइंट वाई इज इक्वल्स टू 3. तो दैट मीन्स ग्राफ ओवर हियर विल बी लाइक दिस. ग्राफ ओवर हियर विल बी लाइक दिस. फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स ओवर हियर वाई इज इक्वल्स टू -1. फॉर 4, इट इज -2. फॉर 8, इट इज -3. तो दैट मीन्स द ग्राफ विल बी मूविंग लाइक दिस. ओके, सो दिस विल बी द कर्व फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1. एंड दिस वॉज द ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1 ओवर देयर. ठीक है, तो अब देखने की बात क्या है यहाँ पे, रेंज इन दिस केस डोमेन वही रहेगी, दैट विल बी 0 टू इन्फिनिटी. बट अगर हम रेंज की बात करें तो व्हाट विल बी रेंज इन दिस केस, अगेन अब आंसर्स आर लाइंग इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. सारे के सारे अपने आंसर्स आ रहे हैं, तो दैट मीन्स रेंज विल बी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ओके, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. नाउ अनदर थिंग दैट वी नीड टू नो ओवर हियर इज, अगर हम इस ग्राफ को देखें, विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ वाई इज डिक्रीजिंग. तो दैट मीन्स दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके, विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ वाई इज डिक्रीजिंग. तो दैट मीन्स इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन. एंड सिमिलरली इन दिस केस विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ वाई इज इंक्रीजिंग. वे कर्व इज गोइंग लाइक दिस. तो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ वाई इज इंक्रीजिंग. तो दैट मीन्स दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब उसकी वैल्यू कम होती जा रही है. तो मतलब अगर तो क्या होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ बेस. अगर बेस हमारा ग्रेटर देन 1 है तो लॉगरिथमिक फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. बट इफ अवर बेस इज लेस देन 1 एंड इट इज ग्रेटर देन 0, तो दैट मीन्स इट विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके, सो दिस वॉज द ग्राफ ऑफ अ लॉगरिथमिक फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन हमेशा क्या मिलेगी आपको, डोमेन विल बी 0 टू इन्फिनिटी. दैट मीन्स ऑल पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव नंबर्स कुड बी देयर. एंड रेंज विल बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. दैट मीन्स ऑल रियल नंबर्स विल बी अवर आंसर. ओके, नाउ यहाँ पे एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखोगे आप यहाँ पे. विल ड्रा साइमल्टेनियस ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस ई एंड ई रेज टू द पावर एक्स टुगेदर.
अगर दोनों का ग्राफ हम टुगेदर एक पॉइंट पे एक ही ग्राफ पे प्लॉट करके देखें तो व्हाट विल बी देयर? लेट अस सपोज दिस इज पॉजिटिव एक्स, दिस इज पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई. नो ई की वैल्यू क्या है? ई इज कॉल्ड नेपियर्स कॉन्स्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज समथिंग लाइक 2.3. आप उसे ज़ूम करके चलोगे, ई की वैल्यू क्या होती है? 2.3. दिट इज कॉल्ड नेपियर्स कॉन्स्टेंट. ओके, नेपियर्स कॉन्स्टेंट है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा. ई की वैल्यू समथिंग लाइक 2.3 लेके चलते हैं, नॉर्मली कैलकुलेशन के लिए हमें 2 मान लेते हैं. ओके, तो लॉग ऑफ एक्स बेस ई एंड ई रेस टू द पावर एक्स की बात कर रहे हैं हम. लॉग ऑफ एक्स बेस ई के अगर पॉइंट देखेंगे तो लॉग ऑफ एक्स बेस 2.3, तो दैट मीन्स बेस इज नाउ ग्रेटर देन 1. बेस इज नाउ ग्रेटर देन 1. तो इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 द लॉग ग्राफ विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ, सो इट्स ग्राफ विल बी लाइक दिस एंड द पॉइंट वेयर इट टचेज द एक्स एक्सिस इज 1, 0. यही था ग्राफ अपने पास. दिस वॉज द ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस ई. ओके, दिस ग्राफ वॉज फॉर द लॉग ऑफ एक्स बेस ई. ओके, देन देयर वॉज ई रेज टू द पावर एक्स. अगर आप ई रेज टू द पावर एक्स का ग्राफ देखोगे अपने पुराने नोट्स में जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया था, कि इफ बेस इज ग्रेटर देन 0, इफ बेस इज ग्रेटर देन ई रेज टू द पावर एक्स मीन्स 2.3 रेज टू द पावर एक्स. अगर 2.3 रेज टू द पावर एक्स है तो ग्राफ विल बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड इट विल बी मूविंग लाइक दिस. ओके, इट विल बी मूविंग लाइक दिस एंड पॉइंट ओवर हियर विल बी 0, 1 एंड पॉइंट ओवर हियर विल बी 0, 1. ओके, तो अगर आप इन दोनों ग्राफ्स को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1, 0 पे लॉग एक्स कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और 0, 1 पे ई रेज टू द पावर एक्स. दिस इज द ग्राफ फॉर ई रेज टू द पावर एक्स. दिस इज द ग्राफ फॉर ई रेज टू द पावर एक्स एंड दिस इज द ग्राफ फॉर लॉग ऑफ एक्स बेस ई. अब अगर इन दोनों को थोड़ी सी पॉइंट से देखोगे, एक अगर हम लाइन बनाएं ओरिजिन से पास कर रही है और कुछ इस तरह की लाइन है. नो दीज टू ग्राफ्स आर मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर अबाउट दिस लाइन. ओके, दीज टू ग्राफ्स आर मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर अबाउट दीज टू पॉइंट्स. सो व्हाट विल बी दिस लाइन? इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज वाई इज इक्वल्स टू एक्स. ओके, वाई इज इक्वल्स टू एक्स. तो हमें क्या देखने को मिला यहाँ पे कि ई रेज टू द पावर एक्स एंड लॉग ऑफ एक्स बेस ई, दीज टू आर मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स. तो मतलब कि अगर आप वाई इज इक्वल्स टू एक्स पे एक मिरर रखोगे तो ई लॉग ऑफ एक्स बेस ई विल बी इमेज ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स एंड ई रेज टू द पावर एक्स विल बी द इमेज ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस. ओके, तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करके चल रहा है. ओके, दिस वॉज अबाउट द लॉगरिथमिक फंक्शन. तो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन रेंज पढ़े, देन वी टॉक्ड अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में बात की, डोमेन और उनकी रेंज देखी, फिर हमने पॉलीनोमियल फंक्शंस के बारे में पढ़ा. ओके, तो नाउ विल डू सम क्वेश्चंस ऑन द डोमेन एंड रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, देन विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शंस. लेट अस सपोज द क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस ई. फाइंड द डोमेन ऑफ अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस ई. तो अंडर रूट के अंदर अगर कोई चीज़ आई है तो मतलब सीधा सीधा क्या है कि दैट इन अ थिंग दैट इज़ देयर इन बिटवीन इन द अंडर रूट दैट शुड नॉट बी नेगेटिव. हमने यही पढ़ा है अब तक कि अगर वो चीज़ नेगेटिव बन जाएगी तो देन द थिंग विल बी एन इमेजिनरी नंबर दैट विल नॉट बी अ रियल नंबर, सो विल नॉट एबल टू डिफाइन द फंक्शन ओवर देयर. ओके, रियल वैल्यूड फंक्शन ही रहेगा क्योंकि वैल्यू क्या आएगी? इमेजिनरी आएगी. तो सीधा सीधा क्या करना है? जब आपके पास अंडर रूट आएगा तो सिंपली यू नीड टू मेक इट लाइक कि लॉग ऑफ एक्स बेस ई मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. लॉग ऑफ एक्स बेस ई मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. सिर्फ आपने यही करना. जब आपने ये चीज़ सेटिस्फाई करवा दी, अब जितनी भी वैल्यूज़ ऑफ एक्स
इस चीज़ को सेटिस्फाई करेंगी वो क्या बन जाएंगी, अपनी डोमेन बन जाएंगी। जितनी भी वैल्यूज ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स बेस ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो को सेटिस्फाई करेंगी तो वो क्या बन जाएंगी, हमारी डोमेन बन जाएगी। ओके, तो लॉग ऑफ एक्स बेस ई का अगर हम ग्राफ देखें तो अभी अभी हमने ग्राफ पढ़ा था, ग्राफ वॉज लाइक दिस, दिस पॉइंट वॉज 1, 0 बिकॉज ई इज 2.3 विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो ग्राफ वॉज लाइक दिस। अब हमें क्या चाहिए कि लॉग एक्स बेस ई की वैल्यू क्या चाहिए हमें, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो अगर हम यहाँ पे देखें वाई नेगेटिव वाई पॉजिटिव, अब अगर हम इस पॉइंट पे देखें ये सारी सारी वैल्यूज़ क्या हैं, वाई नेगेटिव है तो मतलब ये सारी वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। पॉजिटिव वैल्यूज़ कहाँ से शुरू हो रही हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ इस पॉइंट पे जाके शुरू हो रही हैं, इस पॉइंट से, मतलब फॉर एक्स इज इक्वल्स टू वन, फॉर एक्स इज इक्वल्स टू वन लॉग ऑफ एक्स बेस ई इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, लॉग ऑफ एक्स बेस ई इज इक्वल्स टू जीरो। वन की ई की वैल्यू क्या होती है, 2.3। वे लेट अस सपोज दिस इज 2.3, फॉर एक्स इज इक्वल्स टू ई लॉग ऑफ ई बेस ई इज इक्वल्स टू वन, तो दैट मीन्स इट विल बी लाइक दिस। तो मतलब अब से जो वन से बड़ी जितनी भी एक्स की वैल्यूज हैं सबके लिए ये क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और वही हमें चाहिए था कि लॉग ऑफ एक्स बेस ई क्या है, या तो पॉजिटिव आए या इक्वल्स टू जीरो आए। इक्वल्स टू जीरो कब आ रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू वन पे, पॉजिटिव कब आ रहा है, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन वन, तो मीन्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन लॉग ऑफ एक्स बेस ई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। दिस इम्प्लाइज डोमेन इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, तो डोमेन क्या आएगी, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, और वी कैन सी इट इज़ फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। ओके, और वी कैन सी इट इज़ फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। ओके, तो इस तरह से आपने लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो लेट अस सपोज मेरे पास एक और है क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ बेस एक्स 2x-1 इन टू एक्स माइनस थ्री, लॉग ऑफ बेस एक्स 2x-1 इन टू एक्स माइनस थ्री। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, द बेस वॉज कॉन्स्टेंट, बेस के बारे में हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई, बेस भी अपने आप में क्या बन गया, वेरिएबल बन गया। तो अभी हमें यहाँ पे बेस की कंडीशंस भी लगानी है और एक्सपोनेंट की कंडीशंस भी लगानी है, जिस चीज़ का आप लॉग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो अगर हम कंडीशंस लिखें तो मैंने आपको बताया था लॉग ऑफ एक्स बेस ए इज इक्वल्स टू, अगर वाई है तो एक्स क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, एंड ए मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू वन। ओके, तो क्या होगा, एक्स एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, दिस थिंग, और ए की वैल्यू क्या है अपने पास यहाँ पे, एक्स। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन इज एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो दैट मीन्स 2x-1 इन टू एक्स माइनस थ्री दैट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, 2x-1 इन टू एक्स माइनस थ्री दैट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ओके, अगर ये होगा तो मैंने आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने का तरीका बताया था कि अगर आप टू कॉमन लोगे तो दिस विल बी x-1/2 एंड x-3 ग्रेटर देन जीरो, ऐसा ही होगा। सबसे पहले आपने क्या करना था, एक्स का कोफिशियंट क्या बनाओ, वन, दिस बिकम्स x-1/2 इन टू x-3 इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, अब अगर आप इन्हें प्लॉट करोगे, ग्राफ पे प्लॉट करोगे, तो इसकी दो जीरोस बन रही हैं, फर्स्ट इज़ 1/2 एंड अदर वन इज़ 3। तो तरीका क्या था करने का, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन कौन सा है, ग्रेटर देन, तो मींस पॉजिटिव पार्ट विल बी अवर आंसर, तो अवर आंसर विल बी -∞ to 1/2 यूनियन 3 to ∞, -∞ to 1/2 यूनियन 3 to ∞। तो फर्स्ट आंसर ये बन गया अपने पास। सेकेंड आंसर क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो मीन्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एंड थर्ड पार्ट क्या है, ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू वन, दैट मीन्स एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू वन। ओके, तो हम अगर पूरी की इंटरसेक्शन पता करने की कोशिश करेंगे तो अपना आंसर क्या आ रहा है, 1/2 थ्री एंड ज़ीरो। ओके, एंड हेयर इट इज़ 1। ओके, यही आ रहा है। तो आंसर सेज -∞ to 1/2, -∞ to 1/2 कौन सा पार्ट है, ये वाला है कि नहीं, -∞ to 1/2 कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। 3 to ∞ कौन सा पार्ट है, ये वाला। तो ये तो अपना क्या है, पहला आंसर है। सेकेंड इज एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है।
ओके यहाँ से शुरू होके इस पॉइंट तक, और ये शुरू हो रहा है यहाँ तक, और ये शुरू हो रहा है यहाँ तक. ओके तो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब ये वाली चीज़ होगी. देन देयर कम्स एक्स नॉट इक्वल्स टू वन. अब देखिए एक्स नॉट इक्वल्स टू वन अब बाद में देखेंगे, अब इन तीनों का इंटरसेक्शन देखना है. इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ये वाली चीज़, और इन सब का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ये वाली चीज़ एक्सटेंडिंग टिल इन्फिनिटी. ओके तो मतलब व्हाट विल बी इट्स इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन विल बी 0 to 1 by 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी. 0 to 1 by 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी. सो दैट विल बी अवर आंसर. लेकिन आपने इस आंसर में ये ज़रूर माइंड में रखना है कि एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू वन. एक्स नॉट इक्वल्स टू वन होना चाहिए मतलब एक्स इक्वल्स टू वन अपने आंसर का पार्ट नहीं होना चाहिए. और अगर चेक करके देखें तो एक्स इक्वल्स टू वन हमारे पार्ट का आंसर का पार्ट नहीं है, तो मीन्स अवर आंसर इज करेक्ट ओवर. ओके सो दिस इज हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन. ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे लॉगरिथमिक फंक्शन में या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के विद क्वेश्चन में. देन विल टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज एब्सोल्यूट फंक्शन. एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन. एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, ये सब फंक्शंस हम डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंस पूरे प्लस वन प्लस टू के मैथ में बहुत बहुत ज़्यादा है. ठीक है ये आपकी टेक्स्ट बुक जो कि अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन ये कभी स्कूल्स में या मतलब अपने जो बोर्ड लेवल पे ये डिस्कस नहीं किए जाते. एग्ज़ाम्स में इनके आने के चांसेस हैं लेकिन टीचर्स स्कूल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दे आर लाइक दे आर द कंसेप्ट बिल्डिंग थिंग. ओके डायरेक्ट क्वेश्चन की ज़्यादा चांसेस नहीं है बट दे आर कंसेप्ट बिल्डिंग थिंग. अगर आपको फंक्शंस के बारे में, इन फंक्शंस के बारे में पता नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन. ओके तो आप फर्दर जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हैं, बाकी सारे क्वेश्चन हैं, प्लॉटिंग के क्वेश्चन हैं, वो सारे आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे. ओके तो दैट मीन्स इन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है और इनकी डोमेन रेंज ग्राफ आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए. ओके नाउ देयर कम्स द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन. एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन का, मॉडुलस फंक्शन का आपने नाम सुना होगा, आपको पता होगा क्या करता है मॉडुलस. मॉडुलस अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स मॉड है इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन. दूसरा नाम है इसका मॉडुलस फंक्शन. तो ये करता क्या है एक्चुअल में, इट कन्वर्ट्स नेगेटिव साइन इनटू पॉजिटिव साइन. मतलब अगर माइनस टू का मॉडल होगे तो दैट विल कन्वर्ट इट इनटू टू. अगर आप माइनस थ्री का मॉडल होगे तो दैट विल कन्वर्ट इट इनटू थ्री. अगर आप माइनस फोर का मॉडल होगे तो ये क्या करेगा, उसे फोर में कन्वर्ट कर देगा. सिमिलरली अगर आप टू का मॉडल होगे तो ये टू को ये मॉड फंक्शन कुछ नहीं करेगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू टू. ओके अब देखिए अगर माइनस टू है, माइनस टू को मैंने क्या बनाना है, टू बनाना है. कैसे बना सकता हूँ, व्हेन आई इंट्रोड्यूस वन नेगेटिव मोर नेगेटिव साइन. अगर मैं एक और नेगेटिव साइन वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूँ तो ये ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, टू बन जाएगा. एग्जैक्टली यही चीज़ क्या करता है अपने पास, मॉडुलस फंक्शन करता है. ओके तो मॉडुलस फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स मॉड. क्या होगा एक्स मॉड, एक्स ही रहेगा इफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो. जैसे वन ज़ीरो है, वन है, टू है, थ्री है, तो एक्स मॉड सिंपल क्या रहता है, एक्स व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो. लेकिन ये क्या बन जाता है, माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो. ओके इफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स मॉड इट इज़ एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, इट इज़ माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो. ओके अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो ये कुछ नहीं कहेगा एक्स को, सिंपल रहेगा. अगर एक्स नेगेटिव आ गया तो ये नेगेटिव एक्स के सामने एक और नेगेटिव रख देगा ताकि अपना आंसर क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए. ओके तो अगर हम देखें तो एक्चुअल में ये क्या बन जाएगा, इफ़ दिस इज़ इक्वल्स टू वाई, अगर हम वाई के बराबर रखते हैं तो वाई इज़ इक्वल्स टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, वाई इज़ इक्वल्स टू माइनस एक्स फॉर एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द
मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन ने एक्चुअल में करना क्या है, मॉडुलस फंक्शन में नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बना देना है। नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कैसे बनाएगा, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ मोर वन मोर नेगेटिव साइन ओवर हियर। ओके, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करके देखें, दो चीज़ें, आइदर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो यानी कि इस साइड, और एक्स इज लेस देन जीरो यानी कि दिस साइड। इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स। वाई इज इक्वल्स टू एक्स को प्लॉट करने का तरीका, फॉर एक्स इज इक्वल्स टू वन वाई इज इक्वल्स टू वन तो मीन्स दिस पॉइंट, फॉर एक्स इज इक्वल्स टू टू वाई इज इक्वल्स टू टू, फॉर एक्स इज इक्वल्स टू थ्री वाई इज इक्वल्स टू थ्री, एंड ओवर हियर फॉर एक्स इज इक्वल्स टू वन, फॉर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन वाई इज इक्वल्स टू वन, फॉर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू टू, फॉर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री वाई इज इक्वल्स टू थ्री एंड सो ऑन। तो दैट मीन्स नाउ ग्राफ ऑफ अ मॉडुलस फंक्शन विल बी लाइक दिस, इट विल बी अ वी विद वर्टेक्स एट जीरो कॉमा जीरो। एक वी टाइप का फंक्शन बनेगा विद वर्टेक्स एट जीरो कॉमा जीरो, एक वी फंक्शन बनेगा विद वर्टेक्स एट जीरो कॉमा जीरो। ओके, सो दिस इज अबाउट द एब्सोल्यूट फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन ने करना क्या है, इट कन्वर्ट्स नेगेटिव साइन इनटू पॉजिटिव। ये नेगेटिव साइन इनटू पॉजिटिव कन्वर्ट कैसे करता है, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। ओके, तो अब इसकी अगर डोमेन की बात करें तो क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए भी डिफाइंड है, एक्स लेस देन जीरो के लिए भी डिफाइंड है, तो मतलब ये पूरी रियल लाइन नंबर की लाइन के लिए डिफाइंड है। तो दैट मीन्स इट्स डोमेन विल बी आर यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें, हमें पता है कि इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। लीस्ट आंसर क्या आ सकता है, जीरो। तो दैट मीन्स रेंज विल बी फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, सो रेंज विल बी फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ओवर देयर। ओके, सो मॉडुलस फंक्शन के बारे में, सबसे पहले इनका ग्राफ, ग्राफ विल बी अ वी विद वर्टेक्स एट जीरो कॉमा जीरो, फॉर वाई इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, एंड इट्स डोमेन विल बी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इट्स रेंज विल बी इक्वल्स टू। ओके, अब क्या हो सकता है, मॉड फंक्शन में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ये बोर्ड लेवल पे कंपटीशन लेवल पे इक्वली इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस फंक्शन में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे दे विल बी बेस्ड ऑन शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन फॉर अ मॉडुलस फंक्शन, दे विल बी बेस्ड ऑन शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन फॉर अ मॉडुलस फंक्शन। तो व्हाट इट विल बी, लेट अस सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू x माइनस वन मॉड। ओके, हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू x माइनस वन, फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन के बारे में तो आपको कभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे न्यूमिनेटर में क्या आएगा, मॉड फंक्शन आएगा, उसकी डोमेन हमेशा क्या होगी r, आप कोई भी वैल्यू रखो इसमें यू विल बी गेटिंग एनी आंसर, सो डोमेन विल बी r और इट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, डोमेन विल ऑलवेज बी अ रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स फॉर मॉडुलस फंक्शन। बात है रेंज की, हाउ टू फाइंड द रेंज ओवर देयर। ओके, अगर आप रेंज की बात करोगे तो वी नीड टू नो हाउ टू प्लॉट दिस काइंड ऑफ ग्राफ, वी नीड टू नो हाउ टू प्लॉट दिस काइंड ऑफ ग्राफ ओवर हियर। ओके, ओके, नाउ अगर ये वाई इज इक्वल्स टू एक्स होता तो किस तरह का ग्राफ होता, ये वाला ग्राफ है कि नहीं, अगर ये y इज इक्वल्स टू एक्स होता तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ होता विद वर्टेक्स एट जीरो कॉमा जीरो। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं, वो हमने वो सीखना है कि व्हाट आर दोज चेंजेस एंड व्हाट दोज चेंजेस आर गोइंग टू डू इन द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन। अब देखिए, अब जो y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स था वो जीरो जीरो पे क्यों लाई कर रहा था, बिकॉज x इज इक्वल्स टू जीरो पे y इज इक्वल्स टू क्या आ रहा था, जीरो। लेकिन यहाँ पे y जीरो कब आएगा, व्हेन x इज इक्वल्स टू वन, वेन एक्स इज इक्वल्स टू वन यानी कि वन कॉमा जीरो पे वाई क्या आएगा, जीरो आएगा। तो मतलब इस ग्राफ में और कोई चेंज नहीं आएगा, सिंपली आपने इस ग्राफ को इस वर्टेक्स से उठा के कहाँ पे रख देना है, वन कॉमा जीरो पे। तो मतलब द ग्राफ विल बी लाइक दिस,
दिस, द ग्राफ विल बी लाइक दिस, वही वी रहेगा, लेकिन चेंजेस कहाँ पे आई हैं यहाँ पे, एक्स में. तो आपने एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट मूव करना है, एक पॉइंट मूव करना है, एंड दिस विल बी योर ग्राफ. तो अब अगर आप रेंज देखोगे तो रेंज क्या हो रही है, रेंज तो फिर जीरो वाई इक्वल्स टू जीरो से वाई इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की जा रही है. तो दैट मीन्स रेंज इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स रेंज इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी. तो क्या सीखा हमने कि वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, जब कोई छेड़छाड़ की जाए यहाँ पे, एक्स माइनस वन का मॉड बना दिया एक्स मॉड की जगह पे, तो क्या करोगे आप, एक्स एक्सिस में मूव करना शुरू करोगे. एक्स में चेंज की है तो एक्स एक्सिस में मूव करना शुरू करोगे. नेगेटिव वन की है तो आप कहाँ पे चले जाओगे, वन कॉमा जीरो पे. नेगेटिव टू होता तो आप कहाँ पे चले जाओगे, टू कॉमा जीरो पे. नेगेटिव थ्री होता तो आप कहाँ पे चले जाओगे, थ्री कॉमा जीरो पे. लेकिन अगर यहाँ पे एक्स प्लस वन होता, सपोज ऐसा होता, तो इसे आप कैसे समझते, एक्स माइनस ऑफ माइनस वन का, तो कहाँ पे चले जाते आप, माइनस वन पे चले जाते. दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ऑफ अ फंक्शन. ओके, लेकिन अगर इसी में मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दूं, y माइनस थ्री इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन का मॉड, मैं इसमें कर दूं y माइनस थ्री इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन का मॉड, इसकी मैंने डोमेन और रेंज पता करनी है. डोमेन तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, डोमेन विल बी r, हमें इसकी रेंज पता करनी है बाई ड्राॅइंग ग्राफ. अब देखिए, y में भी चेंज हुआ है, x में भी चेंज हुआ है. y में भी चेंज आया, x में भी चेंज आया. नेगेटिव जब आएगा साइन तो आपने उस पॉइंट पे पहुंच जाना है. सिंपल, जब नेगेटिव साइन आया तो आपने उस पॉइंट पे पहुंच जाना है. यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आया तो आप किस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, थ्री पे. तो मतलब अब किस पॉइंट पे शिफ्ट, ओरिजिन शिफ्ट हो चुका होगा, वन कॉमा थ्री पे, वन कॉमा थ्री. तो मीन्स नाउ द ग्राफ विल बी लाइक दिस, रहेगा वो वी ही, बट दैट विल बी लाइक दिस ओवर हियर, एंड दिस पॉइंट विल बी वन कॉमा थ्री. ओके, तो नाउ अब रेंज क्या है, ये वैल्यूज भी सारी मिस होगी हमारी. वाई की वैल्यूज कहाँ से शुरू हो रही है, थ्री से कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक. तो दैट मीन्स रेंज इज थ्री टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स द रेंज इज थ्री टू इन्फिनिटी. ओके, इसमें अब एक और चेंज हो सकती थी, वाई प्लस थ्री इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन का मॉड. तो इसे अब आपने कैसे समझना है, वाई माइनस माइनस थ्री इज इक्वल्स टू एक्स माइनस माइनस वन. तो अब आप किस पॉइंट पे मूव करोगे वर्टेक्स को, माइनस वन कॉमा माइनस थ्री पे. तो माइनस वन माइनस थ्री मीन्स इट विल बी समवट ओवर हियर. ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, ग्राफ विल बी द सेम वी. तो इट विल बी लाइक दिस. ओके, एंड दिस पॉइंट विल बी माइनस वन कॉमा माइनस थ्री. अब वाई की वैल्यूज कहाँ से शुरू हो रही हैं, माइनस थ्री से. कहाँ तक जा रही हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक. तो दैट मीन्स रेंज विल बी फ्रॉम माइनस थ्री टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स द रेंज विल बी फ्रॉम माइनस थ्री टू इन्फिनिटी. ओके, सो दिस इज हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स ऑफ दिस विल बी एडिट. ओके, लेट अस सपोज मैं एक और आपको क्वेश्चन दूँ, वाई इज इक्वल्स टू एक्स मॉड प्लस वन. अब इस किस में चेंजेस हो रही हैं, एक्स में तो कोई चेंज हो नहीं रहा, किस में चेंज हो रहा है, वाई में. बिकॉज इसे आप कैसे लिख सकते हो, तो x में तो कोई चेंज नहीं हुआ, x तो कहाँ पे रहेगा, जीरो पे. y में क्या चेंज हुआ, माइनस वन. तो मतलब आप कहाँ पे पहुँच जाओगे, y इज इक्वल्स टू वन पे. x ज़ीरो, x में कोई चेंज नहीं आया, बट y इक्वल्स टू कहाँ पे पहुँच जाओगे, वन पे. तो दैट मीन्स द ग्राफ विल बी लाइक दिस, द ग्राफ विल बी लाइक दिस. ओके, तो अब रेंज क्या हो जाएगी, दिस इज ज़ीरो कॉमा वन. अब y की वैल्यू वन है लीस्ट और इन्फिनिटी तक जा रही है. तो दैट मीन्स द रेंज विल बी वन टू इन्फिनिटी. तब तक ये आपको समझ आ गया होगा, रेंज क्या होती है, वैल्यू ऑफ वाई. सिंपल रेंज क्या, आपने सिंपल वर्ड्स में क्या समझना है, कम्प्लेक्स ज़्यादा सब कम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है. रेंज विल बी सिंपली द वैल्यू ऑफ वाई, एंड डोमेन विल बी व्हाट आर द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ द एक्स. ओके, तो अब इसके बाद हमारे पास एक दो फंक्शंस और बाकी हैं. देयर आर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड देर इज सिग्नम फंक्शन. ओके, देन देर आर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. तो ये सारे फंक्शंस को हमने डिटेल में पढ़ना है, एक लेक्चर और इन्वेस्ट होगा. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर फंक्शन. ओके, तो फॉर द टाइम यू कैन प्रैक्टिस दिस. असाइनमेंट आपको अपलोड कर दी जाएगी. ओके, देर विल बी असाइनमेंट फॉर दिस ऑल्सो. तो आप उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देना, एंड इफ देर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क दैट इन द चैट बॉक्स.